गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप इस फेस को पहली बार देख रहे हैं देन हाई आई एम तनु। दिस इज माई चैनल जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ माई टेक ऑन ड्रेसिंग क्लासिक एंड एलिगेंट इन अ बजट। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माई वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग हॉल्स विच इज अ सस्टेनेबल फैब्रिक मेक इन इंडिया हॉल फ्रॉम टैमरिन चटनी। एंड दिस इज माई न्यू फॉर्म वेबसाइट जहाँ पे मैंने पिकअप किए हैं सम टॉप्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स एंड वन ऑफ माई वेरी गॉर्जियस वेरी शीक ड्रेस All at a great budget. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने टैमरिन चटनी से क्या क्या पिकअप किया है एंड व्हाट्स माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट देन कीप ऑन वॉचिंग। These days I'm all about sustainable fabric. हमने बहुत जगह सुना होगा कि हमें sustainable fabric के products use करने चाहिए, be it Instagram, Facebook or even our television. So what is sustainable fabric? In my understanding, sustainable fabric in India एक तो consciously create किया जाता है only उन those quantities जो needed हैं. Unlike other जो कि mass produce होते हैं in the factories, वो ultimately इतनी ज़्यादा quantities बना देते हैं कि they only land up in our landfills. तो वो हमारे environment को सिर्फ harm ही करते हैं। प्लस उसमें ऐसे केमिकल्स और कलर्स यूज किए जाते हैं विच आर अगेन दे हैव लॉट ऑफ टॉक्सिंस, दे हैव लॉट ऑफ केमिकल्स, सो दे ओनली हार्म द एनवायरनमेंट फर्दर। हाउएवर सस्टेनेबल फैब्रिक के प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि अच्छे फैब्रिक से बनाए जाते हैं, बी इट कॉटन और दोज नेचुरल फाइबर्स लाइक लिनन, ताकि वो आसानी से रिसाइकिल भी हो सके। सो दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस दिस न्यू वेबसाइट कॉल्ड टैमरिन चटनी एंड इट रियली इंट्रीग मी फॉर थ्री मेन रीजंस। वन इज कि एक तो वो न्यू ऑन द ब्लॉक है, दे आर मेड इन इंडिया, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सेकेंड, उनके जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दे आर नॉट एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट पिकअप कर लीजिए फ्रॉम टैमरिन चटनी, बी दिस गॉर्जियस टॉप और द ड्रेस, आपको उसके कॉस्ट का ब्रेकअप मिल जाएगा क्लियरली कि आउट ऑफ द टोटल प्राइस में से कितना अमाउंट वो देते हैं टू द लोकल आर्टिस्ट जिन्होंने ये फैब्रिक क्रिएट किया है, देन कितना अमाउंट वो देते हैं टू द टेलर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टिच किया है। सो दे आर रियली हेल्पिंग द लोकल आर्टिस्ट एज वेल एट द ग्रास रूट लेवल। विदाउट वेस्टिंग एनी more time, let's start on with the haul. First item on the haul is this hand block print top jo maine pick up kiya in a blue color. Now the best part about this top is ki iske upar jo block print hai, that's hand block print from the wooden blocks. So I really like the fit and the look of this top kyunki bahut hi versatile hai. Aap ise pair up kar sakte hain with maxi skirt and if you want to pair it up for office with a nice high waisted trousers, again it will go really well. Aur maine is top ko style up kiya hai as a blouse with a sari as well. Just look at the contrast कलर, इतना अच्छा लग रहा है विद दिस सिंपल व्हाइट कॉटन साड़ी। तो जस्ट टू इनहांस द लुक फर्दर मैंने इसे पेयर अप किया विद दिस टॉप। तो इन केस आप कोई भी आइटम पिकअप करना चाहते हैं फ्रॉम दिस हॉल या आप टैमरिन चटनी का वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हैं, देन आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू शुड श्योरली हैव अ लुक, यू विल बी थरली सरप्राइज्ड। एंड इन केस आप सब हमेशा मुझसे मेरे मेकअप डिटेल्स तो पूछते ही रहते हैं, सो टुडे आई क्रिएटेड दिस गॉर्जियस लुक विद माई रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट। ये मेरा फेवरेट पैलेट है एंड माई लिपस्टिक इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम अस्फहलाल। आई जस्ट लव अस्फहलाल के लिपस्टिक क्योंकि बहुत ही अच्छे नाइस पिगमेंटेड कलर्स हैं एंड दे हैव अ वेरी लॉन्ग स्टे। एंड माई आई लाइनर, आई थिंक द होल लुक जो समराइज किया है इज बीन डन बाय द आई लाइनर। जस्ट लुक हाउ गॉर्जियस दिस इज, इतनी आसानी से ग्लाइड अवे हो जाता है, प्लस इट हैज अ वेरी लॉन्ग स्टे और बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है। अगेन आई पिक इट अप फ्रॉम अस्फहलाल। ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने पिकअप किए हैं फ्रॉम माई फेवरेट purple.com। सिंस purple.com पे एवरी डे कोई नई सेल चल रही होती है एंड पर्पल पे अमेजिंग सेल स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 6th of April टिल 10th of April, जहाँ पे सारे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट अ मैसिव डिस्काउंट। सो डू चेक इट आउट, यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। नाउ मूविंग बैक टू द हॉल, नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल इज अ टी शर्ट जो मैंने पिकअप की है जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है। आई हैव नेवर सीन अ टी शर्ट जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हो, सो द मोमेंट आई सॉ इट आई वाज लाइक इट इज सो आउट ऑफ द बॉक्स दैट आई शुड हैव इट। सो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि अगेन ये जो ब्लॉक प्रिंट इस पर यूज किया गया है वो नेचुरल डाइज से बनाया गया है विद द वुडन कार्व ब्लॉक्स जो हैंडमेड है, सो इट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। नाउ द क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट इट सेल्फ इतनी अच्छी है। नेक्स्ट मैंने पिकअप किया
है आर दीज ब्लॉक प्रिंट शॉर्ट्स, सिंस मेरे पास ब्लॉक प्रिंट शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है एंड दे ऑल्सो हैव अ पॉकेट डिटेल विच आई थिंक इज एन एडेड एडवांटेज. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शॉर्ट्स इज कि एक तो इनका लेंथ बहुत ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि मुझे बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, सिंस आई एम ऑलरेडी 5'8" तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सिंस मेरे थाइस थोड़े से हैवियर है बट इन शॉर्ट्स के ऊपर इनफ रूम है कि मैं इन्हें कंफर्टेबली पहन सकती हूँ. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होगा कि हम जब भी ब्लॉक प्रिंट शॉर्ट्स देखते हैं वी एसोसिएट देम सेल्स ओनली विद द लाउंज वेयर एट द कम्फर्ट ऑफ द होम, बट आई इंटेंट ऑन वेयरिंग इट अप विद अ नाइस पेयर ऑफ शर्ट और अ नाइस टॉप ताकि मैं इसे बाहर भी पहन सकूँ, यू नो जस्ट गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और गोइंग आउट फॉर एरेंट्स, इट विल लुक रियली नाइस एंड वेरी स्मार्ट. नेक्स्ट मैंने पिकअप किया इज अ हेयर एक्सेसरी विच इज दिस हेयर बैंड जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल डाइज. टैमरिंड चटनी पे काफी सारे हेयर एक्सेसरीज अवेलेबल हैं सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. देन आई पिक्ड अप द नीड ऑफ द आवर विच इज अ मास्क एंड आई प्रेफर टू यूज मास्क जो 100% कॉटन या ब्रीदेबल मटीरियल के ही बने हों क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेयरिंग द मास्क फ्रॉम डे टिल नाइट, सो दीज काइंड ऑफ कॉटन बेसिक मास्क आर अ मस्ट हैव एंड आई रियली लव दिस कलर पैलेट एज वेल. प्लस एट द वेरी सेम टाइम सिंस ये सस्टेनेबल फैब्रिक से बना हुआ है सो इट्स गोइंग टू कीप यू वेरी कंफर्टेबल एज वेल. लास्ट आइटम ऑन द हॉल इज दिस गॉर्जियस नेवी ब्लू ड्रेस जो मैंने पिकअप की है जिसके ऊपर ही अजरक प्रिंट है विच रियली ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर प्लस बहुत ही अच्छा नाइस हाईलाइट देता है टू द होल आउटफिट. नाउ दिस इज अ बटन डाउन ड्रेस जिसके ऊपर पॉकेट डिटेल्स हैं एंड अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर ही स्ट्रैप डिटेल है तो लुक्स वेरी शीक और बहुत ही मॉडर्न लगती है. और अगर आप इसे पेयरअप करना चाहते हो विद अ नाइस पेयर ऑफ पैंट्स और इवन विद लेगिंग्स फॉर ऑफिस देन अगेन इट विल गो रियली वेल क्योंकि ये बहुत शीक लुक में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है. नाउ अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट टैमरिंड चटनी इज कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट पिकअप करते हैं उसके साथ में लिटिल राइट अप अबाउट द प्रोडक्ट भी आता है लाइक इसके ऊपर ये अजरक प्रिंट है विच इज मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल डाइज एंड अलॉन्ग विद दैट उसके साथ में स्पेशल मेंशन होता है टू द आर्टिजन एंड ऑल्सो टू द टेलर. सो दिस वॉज माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट टैमरिंड चटनी. इन ऑल ऑनेस्टी आई वुड लाइक टू शेयर कि आई एम रियली इम्प्रेस विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो मुझे मिले हैं क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने पहने हैं दे आर वेरी शीक एंड दे आर वेरी स्टाइलिश बट ऑन टॉप ऑफ दैट कॉन्शियसली आई फेल्ट वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड बिकॉज आई नो कि मेरे सिंपल एक आउटफिट से जो लोकल आर्टिजांस हैं या जो लोकल टेलर्स हैं उन्हें सपोर्ट मिल रहा है सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. तो अगर आप भी सस्टेनेबल फैब्रिक के प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं और यू वॉन्ट टू मेक दैट स्विच देन आई विल हाईली अर्ज यू गाइज कि आप टैमरिंड चटनी को जरूर ट्राई कीजिए, यू विल बी हाईली इम्प्रेस्ड. सो दिस इज द एंड टू माई वीडियो. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन आई विल मेंशन माई इंस्टाग्राम हैंडल राइट हियर एंड आई विल ऑल्सो मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.